कथा के अनुसार एक बार इंद्रदेव और गुरु बृहस्पति भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। तभी महादेव ने दोनों की परीक्षा लेने के लिए अपना भेष बदल कर अवधूत बन गए। इस रूप में महादेव बहुत ही भयावह लग रहे थे। महादेव इंद्र और बृहस्पति के मार्ग में जाकर खड़े हो गए। अवधूत को देखकर इंद्र और बृहस्पति हैरान रह गए। इंद्र को देवराज होने पर घमंड था, इसलिए उन्होंने अहंकार और क्रोध में महादेव से पूछा, तुम कौन हो? क्या महादेव अभी भी कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं? हम उनसे मिलने आए हैं। इंद्र की बात सुनकर भी महादेव चुपचाप खड़े रहे। इस तरह से इंद्र को और अधिक क्रोध आया। उन्हें लगा एक साधारण अवधूत द्वारा देवराज का अपमान हो रहा है। इससे इंद्र बहुत ही क्रोधित हो गए। उन्होंने अवधूत से कहा, मेरे बार बार पूछने पर भी तुमने कुछ ना कहकर मेरा बहुत अपमान किया है, इसके लिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। और इंद्र ने अवधूत पर प्रहार करने के लिए अपना वज्र उठा लिया। इधर अवधूत के शरीर पर लदकती ज्वाला और चेहरे पर क्रोध देखकर बृहस्पति समझ गए कि ऐसा प्रचंड रूप केवल महादेव का ही हो सकता है। महादेव के इस विकराल रूप पर क्रोध से इंद्र का विनाश न हो जाए, इसलिए बृहस्पति महादेव के क्रोध को कम करने के लिए शिव स्तुति गाने लगे। इतना ही नहीं, बृहस्पति ने इंद्र को महादेव के चरणों में लिटा दिया, जिससे इंद्र के प्राणों की रक्षा हो सके। लेकिन महादेव क्रोध में थे और मस्तक से अभी भी ज्वाला निकल रही थी। तब बृहस्पति ने कहा, हे महादेव, इंद्र आपके चरणों में है, अब आप अपने माथे से निकलने वाली इस ज्वाला को कहीं और स्थान दीजिए और इंद्र के प्राणों की रक्षा कीजिए। महादेव के तीसरे नेत्र से निकलने वाली ज्वाला इतनी तीव्र थी, इससे ना ही जीव ना तो देवता सहन कर सकते थे। तब महादेव ने इस तेज को एक समुद्र में फेंक दिया। ज्वाला को समुद्र में फेंकते ही एक बालक की उत्पत्ति हुई। महादेव के तेज से जन्म लेने के कारण इस बालक का नाम शिव पुत्र जलंधर पड़ा। भगवान ब्रह्मा द्वारा ही जलंधर का नामकरण किया गया था।